नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम क्लास 11 के हिंदी के अंतराल के चैप्टर 2 हुसैन की कहानी अपनी जवानी के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए बिना देरी के अपने वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ये चैप्टर हमें क्या प्रेरणा देता है। तो देखो, ये चैप्टर हमें बताता है कि यदि विद्यार्थी जीवन में उनके प्रतिभा का विकास सही अवसर और सही दिशा में मिल जाए तो विद्यार्थी का जो जीवन होता है, उसका जो उद्देश्य होता है, वो पूरा हो जाता है। यही नहीं, शिक्षक और अभिभावक ये दोनों बच्चों को योग्यताओं को पहचानने में उनकी मदद कर सकते हैं और उनका विकास करने में भी काफ़ी मदद कर सकते हैं और उसकी सहायता कर सकते हैं ताकि वो अपने भविष्य को उज्जवल और सुंदर बना सके। ये चैप्टर पूरा पूरा इसी बात पर आधारित है। हुसैन की कहानी अपनी जवानी का पहला जो अंश है वो बड़ौदा का बोर्डिंग स्कूल है। उनमें विद्यार्थियों से जीवन जुड़े और उनकी रचनात्मक प्रतिभा का बहुत ही सुंदर चित्रण किया गया है। और दूसरा जो अंश है वो रानीपुर बाज़ार में हुसैन का अपने पारिवारिक व्यवसाय को स्वीकार करने की अपेक्षा की जा रही है। कि रानीपुर जब वो जाता है तो सोचता है कि अपने पापा का बिजनेस संभालेगा, लेकिन हुसैन के अंदर का कलाकार चित्रकार बाहर आता है। वहीं पे हुसैन के पिताजी ने अपने बेटे के हुनर को देख के पहचाना और उसे एक महान चित्रकार बनने के दिशा में आगे बढ़ाया। इस चैप्टर में ये पूरी बात यही की गई है। अब हम चैप्टर की कहानी को शुरू करते हैं। दादाजी के मृत्यु के बाद हुसैन दादा के कमरे में ही बंद रहता है और उनके बिस्तर पर ही सोता है। हुसैन का इस तरह से गुमसुम रहना, उसके कारण उसके अब्बा ने उसे बड़ौदा के बोर्डिंग स्कूल में भेज दिया, क्योंकि वो दिनचर्या जो हुसैन थे वो अपने पूरा दिनचर्या अपने दादा के साथ बिताते थे। दादा के साथ अपने दिनचर्या बिताने के साथ जैसे ही उनकी अचानक से डेथ हो जाती है तो वो गुमसुम रहने लगते हैं और चुपचाप रहते हैं, जिसके कारण उनके जो पिताजी हैं वो इसके गुमसुम को दूर करने के लिए उसको बोर्डिंग स्कूल में भेज देते हैं। जैसे वो बोर्डिंग स्कूल में जाते हैं तो उनके 6 दोस्त बन जाते हैं, जो जिनके नाम थे पहला मोहम्मद इब्राहिम गोहर, अली, अरशद, आमिद, कंबर हुसैन और अब्बास जी अहमद, अब्बास अली फिदा, अतार, ये सारे इसके दोस्त बने। सभी में 2 साल की दोस्ती रही, फिर सब अलग अलग दिशा में क्या हो गए, आगे बढ़ गए। 2 साल के नज़दीकी तमाम उम्र दिल की करीबी थी और इनकी दूरी को बदल नहीं पाई। विद्यालय में मकबूल ने ड्राइंग मास्टर द्वारा ब्लैक बोर्ड पर चिड़िया बनाई। एक बार होता क्या है कि जो मास्टर साहब होते हैं वो उनको बच्चों को बोलते हैं, जो ब्लैक बोर्ड होता है उस पर चौक से एक चिड़िया बना देते हैं और बोलते हैं सारे बच्चे इसे अपने स्लेट पे बनाओ। तब क्या होता है, जो हुसैन जी होते हैं वो ना ब्लैक बोर्ड की चुड़िया को सेम अपने स्लेट पर हूबहू बना देते हैं। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के अवसर पर गांधी जी की पोर्ट्रेट भी वह बना देते हैं, जिससे ये लेखक को जनजात कलाकार का परिचय दिया जाता है कि ये जन से ही जो लेखक है वो क्या है, कलाकार हैं। इसके बाद रानीपुर बाज़ार में चाचा मुराद अली की दुकान पर बैठ कर ना, जब वो रानीपुर उनको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है तो रानीपुर चले जाते हैं। फिर वो क्या करते हैं, वहाँ पे अपने चाचा की दुकान पर बैठे रहते हैं और वो दुकान पर ड्राइंग व्राइंग करते रहते हैं। तब जब वो ड्राइंग करते रहते हैं तो उनके पास तो रहता नहीं, तो अपनी किताब बेच के क्या करते हैं, वो ड्राइंग पेंटिंग ऑयल वाला ले आते हैं और वो क्या करते हैं, फिर वहाँ पे बैठे बैठे अपनी चित्रकारी करने लगते हैं। वहाँ पे घूंघट में एक मोहतरमा होती है जो जा रही होती है गेहूं की बोरी उठाए हुए, मज़दूर, पेंची वाले, पगड़ी वाले लोग और कई औरतें, बकरी चराते हुए बच्चे, ये सारे मार्केट में घूमते रहते हैं। इन्हीं का वो क्या करता है, मकबूल चित्र बनाते रहता है। एक बार सिंहगढ़ फिल्म का एक पोस्टर देखकर मकबूल का ऑयल पेंटिंग बनाने का विचार आया, मतलब मीन्स जो पिक्चर लगते थे ना उसके पोस्टर लगे हुए थे, तो वो बोलता है क्यों ना मैं आज ऑयल पेंटिंग बनाऊं। लेकिन ऑयल पेंटिंग तो उसके पास थी ही नहीं, तो उसने क्या किया, अपने किताबें बेच दी और ऑयल पेंट खरीद के ले आया और पहली बार उसने ऑयल पेंट का प्रयोग किया। पेंटिंग को देखकर ऐसा लग रहा था कि उसने हूबहू पोस्टर को अपने जो ड्राइंग पेज है उस पे उतार दिया। फिर जब उनके पिताजी उनको देखते हैं, उनकी चित्र को देखते हैं, तो पहले तो गुस्सा हो जाते हैं कि उसने किताब है क्यों बेच दिया, ऐसा क्यों किया उसने, लेकिन उसकी पेंटिंग को देख के उसके पिता उसको पुत्र को क्या करते हैं, गले लगा लेते हैं और उनकी आँखों में आंसू आ जाता है। एक बार इंदौर के सराफा बाज़ार में लैंडस्केप बनाते समय बेंद्रे साहब से उनकी मुलाकात होती है। बेंद्रे साहब कौन थे, बेंद्रे साहब और लैंडस्केप पेंट करने वाले मकबूल ने एक दिन बेंद्रे साहब को अपने पिता से मिलवाया। बेंद्रे ने मकबूल के पर उनसे देखा, उनकी पेंटिंग देखा और उनसे बात करी। मकबूल के पिता ने बम्बई से बिस्नर न्यूटन ऑयल ट्यूब कनेक्शन मंगवाए, जिन्होंने बेटे के लिए सारी पुरानी मान्यताओं को नज़रअंदाज कर दिया और इस तरह उन्होंने अपने बेटे को ज़िंदगी में रंग भरने की इजाज़त दे दी कि उन्होंने अपने बेटे को बोला कि तू इसी क्षेत्र में अपने करियर को बना और
फिर इसके बाद हुसैन के जीवन की यह सबसे महत्वपूर्ण घटना थी जिन्होंने उसके पूरे जीवन को ही बदल दिया और आज हुसैन एक प्रसिद्ध चित्रकार के रूप में उभरे। तो इस प्रकार ये पाठ की कहानी यहीं ख़त्म होती है। इस पाठ में हमने पढ़ा कि किस प्रकार एक बच्चे को अगर सही दिशा दिया जाए और उसके सही से उसके प्रतिभा का विकास किया जाए तो बच्चा अपनी ज़िंदगी में काफ़ी आगे जाता है। तो अब हम पढ़ते हैं इस चैप्टर के महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर को कि कौन कौन से इसके महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर हैं। पहला क्वेश्चन है, लेखक ने अपने 5 मित्रों के जो शब्द चित्र प्रस्तुत किए उनसे उनके अलग अलग व्यक्तित्व की झलक मिलती है, फिर भी वे घनिष्ठ मित्र थे, कैसे? तो देखो, लेखक ने बताया उसके 5 दोस्त थे और वो सारे अलग अलग फील्ड में चले गए थे, उनके जो काम था वो अलग अलग था, लेकिन फिर भी वो एक दूसरे के अच्छे दोस्त थे। क्यों? क्योंकि उनकी जो काम है और उनकी जो निजी लाइफ है उन पे उसका कोई असर नहीं पड़ा, वो निस्वार्थ अपनी मित्रता को बनाए रखे, इसलिए वे आपस में घनिष्ठ मित्र बने रहे। अब हम बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की कि प्रतिभा छुपाए नहीं छुपती, इस कथन के आधार पर मकबूल फिदा हुसैन के व्यक्तित्व पर प्रकाश डालिए। ये कथन बिल्कुल सत्य है कि किस तरह लेखक को अपने दादा से बहुत सारा लगाव था और दादाजी की जब मृत्यु हो जाती है तो वो उनके कमरे में अकेला बंद रहना शुरू कर देता है। वो उनके बिस्तर ही पे पूरा अचानक कम्बल उम्बल ओढ़ के सोते रहता है और दादा से लिपटकर भी सोता था। तो इससे पता चलता है कि वो लेखक जो था बचपन से भावुक और प्यारा किस्म का व्यक्ति था, और इसके अलावा उसकी जो अपने दादा के प्रति प्रेम थी वो छुपाए नहीं छुपती थी। लेखक जन्मजात कलाकार है, ये कैसे कथन? इस कथन को सिद्ध करना है, इस कथन कहाँ, ये कथन जो है वो कहाँ तक उचित है। तो देखो, लेखक जो था वो जन्मजात कलाकार था। इसका पहली बार कब पता चला? जब उसको ड्राइंग मास्टर ने बड़ौदा बोर्डिंग स्कूल में क्या बोला कि शिक्षा जो उसके टीचर थे मास्टर मोहम्मद अतर, उन्होंने ब्लैक बोर्ड पर सफ़ेद चौक से एक चिड़िया बनाई और लड़कों से कहा कि ये चिड़िया अपने स्लेट पर इसकी नकल करे, और मकबूल फिदा हुसैन ने हू बहू चिड़िया को अपने स्लेट पर बना दिया था, जहाँ पर उसकी प्रतिभा पहली बार बाहर निकल कर आई थी, जिससे पता चलता है लेखक जन्मजात कलाकार था। तो दोस्तों, आज की वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर जरूर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।